अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। अभी 4 साल है अग्निवीर जवानों का कार्यकाल। अग्निवीर योजना में जवानों की भर्ती अब बढ़ सकेगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अभी 25% रिटेंशन की स्कीम भी हो सकती है, इसमें भी बदलाव हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं अग्निवीर योजना पर। अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव होने की संभावना है। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। अभी 4 साल का कार्यकाल है और इसे और बढ़ाया जा सकता है। अग्निवीर योजना में जवानों की भर्ती अब बढ़ेगी, ये भी जानकारी है। 25% रिटेंशन की स्कीम भी, इसमें भी बदलाव हो सकता है। तो अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव हो सकते हैं और जल्द ये बदलाव हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या क्या बदलाव होते हैं, पर आपको बता दें कि बड़े बदलाव की तैयारी में अब सरकार है। अग्निवीर योजना पर सूत्रों के हवाले से ही जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा बदलाव हो सकता है, कार्यकाल जो है अग्निवीर जवानों का बढ़ाया जा सकता है। अभी 4 साल है कार्यकाल, इसमें और बढ़ाने की पूरी पूरी उम्मीद है। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। अग्निवीर योजना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसा कि लंबे वक्त से मांग भी इसकी उठती आ रही है और कई बदलाव के भी जो है मांग हमने देखा है, लगातार उठती आई है और अब ये हो सकता है बड़ा बदलाव इसमें किया जाए। और साथ ही साथ कार्यकाल बढ़ाने की बात भी कही जा रही है, हो सकता है कि और समय जो है कार्यकाल जो है बढ़ाया जाए अग्निवीर जवानों का। फिलहाल अभी एक सूत्रों के हवाले से जानकारी है, इस पर किसी भी तरह की मुहर नहीं लगी है, अभी चर्चा ही चल रही है। 4 साल का अभी तक जो है कार्यकाल है जवानों का और इसमें बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल को। योजना में जवानों की भर्ती भी अब बढ़ेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। इस पर भी चर्चा लगातार चल रही है। तो ये सेवा की अवधि जो है 4 साल है, इसे बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का सुझाव भी दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, लगातार अग्निवीर योजना पर कई सारे सवाल भी उठते रहे, साथ ही साथ कई मांगे भी होती रहीं। अब ये कहा जा रहा है जो कार्यकाल 4 साल का था वो 7-8 साल तक भी जा सकता है, साथ ही साथ कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कैसे बदलाव इसमें हो सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से ये मसला जो है काफी बड़ा मसला बना था, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव के दौरान में पूरे देश में विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसे एक बहुत बड़ा मसला बनाया गया और जिस तरह से युवाओं के अंदर में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक गुस्सा कहें या इस बात को लेकर थोड़ा सा असंतोष की भावना नजर आ रही थी, क्योंकि 4 साल का जो वक्त होता है वह काफी कम होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से आप केंद्र सरकार इस मामले को लेकर आगे का खाका जो है वो तैयार कर रही है कि आगे क्या करना है, जिस तरह से इस मामले में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 4 साल की जो अवधि होती थी उसको बढ़ाया जा सकता है और अगर 5 से 6 साल किया जाएगा या उससे और थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा तो कहा जा सकता है कि ये निश्चित तौर पर युवाओं के लिए और खासतौर पर वो युवा जो डिफेंस में आना चाहते हैं, जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं और खासतौर पर जिस तरह से अग्निवीर जो एक स्कीम है उसके तहत आना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए बहुत एक राहत की बात कही जा सकती है। और इन तमाम मसलों पर और क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, किस तरह से इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो एक तरह से कह सकते हैं इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा पिछले 2 दिन के अंदर में की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर वो तमाम जानकारियां वो साझा किया जा सकता है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से जो सेवा की अवधि है जो पहले 4 साल थी अब उसे बढ़ाए जाने का लगभग ऐलान उस मामले पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन औपचारिक तौर पे ऐलान की जो एक पुष्टि जो है उसका होना बाकी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।